नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं, एक गर्ल्स हैं और NDA के द्वारा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहती हैं, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं, तो यहाँ पर आपके लिए लास्ट मौका है, लास्ट चांस है। इसके बाद आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने बताया है इसकी लास्ट डेट क्या है और आप इसके फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसके फॉर्म को नहीं भरा है तो दोस्तों जल्दी से जाइए और इसके फॉर्म को भर के आइए, क्योंकि इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, लास्ट चांस है ये सभी लड़कियों के लिए। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ज्वाइन होना चाहती हैं NDA के द्वारा ऑफिसर की पोस्ट पर, वो भी केवल 12th पास भी नहीं, अगर आपने 11th पास कर ली है, 12th में है, तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर आप सभी के लिए है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 17 मई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं NDA के, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 6 जून 2023। 6 जून के बाद इसके फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। तो दोस्तों आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता ही दिया लास्ट डेट क्या है, 6 जून लास्ट डेट है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों इसके एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स है 3 सितंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा NDA का। दोस्तों ये आप सभी के लिए लास्ट चांस है 2023 का, इसके बाद आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दोस्तों जो टोटल पोस्ट हैं वो 395 हैं, 395 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए, यानी कि लगभग 16 से 19-20 साल के बीच इसमें एज लिमिट आपकी मांगी जाती है, उसके बाद आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो 16 से 20 साल की एज अगर आपके बीच है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई थी। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने 11th पास कर ली है, 12th में आ गए हैं, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर आपको नहीं होगी। तो दोस्तों 12th में अगर आप स्टडी कर रहे हैं या 12th पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर आपको नहीं होगी। और दोस्तों बात करें फीस की, तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये केवल गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हाइट की, तो मैं आपको बता दूं जो गर्ल्स की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है, जितने भी बॉयज़ हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आने वाली है, आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। तो साथियों इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई है, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लेना। और दोस्तों अगर कोई डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और साथियों NDA से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी मैं अपने चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी भर्तियों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर दी जाएगी, कोई भी फेक या फर्जी न्यूज़ हम अपने चैनल पर प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, इसीलिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।